तो गाइस ये जो पूरी वीडियो होने वाली है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे इस पे मुझे पता है कमेंट्स पक्का से आने वाले हैं कि ये क्या ही है। आज हम इस वीडियो में दो ऐसे स्मार्टफोन के बीच एक कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। ना ही इनके बीच पैसे की दूरी बहुत कम है, ना ही इनके बीच कैमरे में बहुत ज्यादा कॉमन कोई चीज है, ना ही सॉफ्टवेयर में, ना ही प्रोसेसर में। सारी ही चीजों में ये इस समय दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है, सबसे आगे वाला है स्मार्टफोन। और ये भी रिसेंटली कुछ लॉन्च हुआ था वीवो की तरफ से। तो हम दोनों के बीच में स्पेशली कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है ज़ाइस की तरफ से। जो इसमें लेंसेज वगैरह यूज़ हुए हैं उनकी वजह से इसका कैमरा परफॉर्मेंस कुछ ऐसे लेवल पर पहुंचा हुआ है कि मुझे लगा कि इसके साथ थोड़ा सा एक स्मॉल कंपैरिजन जरूर बनता है। तो बहुत सारे कमेंट तो आप करिए, सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा करके जाइएगा, ढेर सारे सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड से कराइए, फैमिली से करवाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये हमारे वीवो V30 Pro और S24 Ultra के बीच हो रहा है। मतलब ये क्वालिटी आप देख सकते हो, दोनों में ही फ्रंट कैमरे का फुल HD 60fps पे रिकॉर्डिंग हो रही है। क्वालिटी कैसी है, कलर्स कैसे हैं, डिटेल्स कितने ज़्यादा किस्में आ रहे हैं, और डेफिनेटली मुझे कलर्स वगैरह तो दोनों ही में काफ़ी सही लग रहे हैं, बट प्राइस, मतलब प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट जो वीडियो क्वालिटी है फ्रंट का उसमें ज़मीन आसमान का अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्वालिटी मुझे काफ़ी सही से, जो स्क्रीन का टोन है डेफिनेटली S24 में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो इन दोनों ही फ़ोन में बैक कैमरा का फुल HD का 60fps रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों में ही स्टेबलाइजेशन भी ऑन है। क्वालिटी कैसी आ रही वो देख सकते हो, अभी 1x पे दोनों ही कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब काफ़ी सही लग रहा है मेरे को दोनों में ही। अगर मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा पे 60fps की रिकॉर्डिंग आपको वीवो V30 Pro में नहीं मिलता है, इसमें S24 में आपको अल्ट्रा वाइड रिकॉर्डिंग मिल जाता है। और 1x पे कुछ इस तरीके का है, 3x पे कुछ ऐसा है, इसको भी हम 3x करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दोनों ही फोन में रिकॉर्डिंग देख रहे हो 3x पे, ऑब्वियसली आपको S24 का आपको क्वालिटी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, ज़्यादा स्मूथ दिख रहा होगा, बट ये भी काफ़ी सही तगड़ा आपको टक्कर दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत मैं एडजस्टमेंट के बाद अगर ये अच्छी क्वालिटी अगर आपको दे देना तो आप इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको ये फ़ोन अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इस प्राइस पॉइंट पे। आप मैं मतलब इस कंपेरिजन को आप देख करके समझ सकते हो कि मैं आपको S24 के उससे दिखा रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ S24 से। थोड़ा और जूम करते हैं, हम 5x कर लेते हैं इस पर, इसमें भी 5x कर लेते हैं। अब ये जो देख रहे हो दोनों में 5x है, डेफिनेटली S24 Ultra में इसके लिए लेंस अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे वीवो V30 Pro अब पीछे काफ़ी होता दिखाई दे रहा है क्वालिटी को लेकर के, मतलब कि यहाँ पे अब आपको 2x के बाद ऑप्टिकल लेंस नहीं मिलता है, जबकि S24 Ultra में ऑप्टिकल लेंस वगैरह मिला हुआ है। तो क्वालिटी काफ़ी आगे आपको दिखाई देगी डेफिनेटली, पर फिर भी काफ़ी सही ये कोशिश कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो पॉसिबल हुआ है श्री इन्फोटेक के स्पॉन्सरिंग से। ये एक ऐसा मल्टी ब्रांड स्टोर है जहाँ पे आपके सारे मोबाइल वाले सॉल्यूशंस जरूर से सॉल्व हो जाते हैं। इनके पास एप्पल के सबसे टॉप वाले फ़ोन से लेकर के वीवो ओप्पो के सारे जो बजट स्मार्टफोन है वो तक भी मिल जाते हैं। ऐसे स्मार्टफोन भी मिल जाते हैं जो ऑनलाइन आपको नहीं अवेलेबल है, वो इनके पास मिल जाते हैं। इनके पास एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी शॉप्स की श्रृंखला है, इनके खुद की वेबसाइट भी है। आप इनको कॉल करके या आप इनके वेबसाइट के माध्यम से भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, आप यहाँ पे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। तो इन दोनों के जो कैमरा कंपैरिजन था आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसका जो डिटेल कैमरा कंपैरिजन है वो भी हमने डाला हुआ है अपने चैनल पे, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। इसका भी कैमरा कंपैरिजन अलग से पड़ा हुआ है, वो भी देख सकते हो। बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें रही इन दोनों के बीच, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।